हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो एमपीपीएससी के थ्रू फार्मा रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट परमानेंट वैकेंसी आई है जिसका कि सैलरी भी अच्छा खासा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी आई है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने पोस्ट पर वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है तो क्या सैलरी रहने वाली है और किस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे जैसा कि मैं एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। एमपीपीएससी कहने का मतलब हुआ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ठीक है, जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आते हैं तो इसके एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, आप नीचे की ओर इसको स्क्रॉल करेंगे। नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आप देख रहे होंगे कि एक वैकेंसी है, टेक वन सेकेंड, यस, सिक्स नंबर नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे, रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर फूड एनालिस्ट एंड ड्रग एनालिस्ट 2022, डेटेड 30/12/2022। देखिए, ये ड्रग एनालिस्ट वाला काम हमारे काम का है तो इसको हम लोग क्लिक हियर यहाँ कर लेंगे। इसके डिटेल के लिए जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हमारे पास एक पीडीएफ खुल जाएगा। अब इस पीडीएफ में हमारे पास इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो मैं ओवरऑल थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वेबसाइट की, जिससे कि आप अपना खुद से भी इसको पढ़ के कर सके या तो आप डायरेक्टली एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए जैसे कि मैं आ रहा हूँ, जैसे कि मैं एमपीपीएससी सर्च करके आता हूँ वैसे करके आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, देन आप खुद से यहाँ पे पूरे पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं बता देता हूँ ये वैकेंसी जो है आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, तो 24/2/2023 यानी 24 फरवरी तक आप इस वैकेंसी में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भर सकते हैं, 24 फरवरी तक। ठीक है, और हम लोग बात करें यहाँ पे अगर आयु की गणना तो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपका जो भी है ये एज क्राइटेरिया वो आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी है, हाँ, पद का नाम में सबसे मेन काम है हमारा औषधि विश्लेषक। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है औषधि विश्लेषक। औषधि विश्लेषक कहने का मतलब क्या हुआ कि ड्रग एनालिस्ट, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है, तो देखिए क्या है, आयुर्विज्ञान या विज्ञान के या फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्नातक, जैसे ही बोला मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बैचलर यानी बी फार्म की बात हो रही है, बी फार्म की बात हो रही है। ठीक है, तो बी फार्म होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, विश्व प्रयोजन के सरकार द्वारा सामान्यता प्राप्त अनुसूचित कर, मतलब बी फार्म कहने का अर्थ है, और औषधि परिषद में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव, मतलब बी फार्म प्लस 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्या बी फार्म प्लस 5 इयर्स का औषधि परीक्षण में कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो यदि आप इसमें आते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए हुए हैं जैसे कि 1940 अधिनियम के तहत जो भी है अपने हिसाब से आप पढ़ लेंगे स्नातोत्तर या फिर जो भी है, आप यहाँ से इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ से यहाँ तक आप विजिट कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने ओवरऑल बता दिया कि बी फार्म होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर बात करें यहाँ पर कि परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र किस प्रकार से, आपको परीक्षा केंद्र कहाँ रहने वाला यहाँ से आप देख सकते हैं। प्लस अगर बात करें आप तो मेन है हमारा ये, हाँ, यहाँ पे हमारा जो औषधि विश्लेषक है ये हमारा मेन है कि कितने सीट है टोटल, तो टोटल सीट है आपके 7, जिसमें से कि 3 जनरल के लिए है, 1 SC के लिए है, 1 ST के लिए है, 2 OBC के लिए। ठीक है, तो 7 सीट पर है। और प्लस पद का नाम क्या है, विभाग का नाम होगा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन। फिर आपका जो मेन होगा पदों की स्थाई मतलब देख रहे हो ना, ये परमानेंट वैकेंसी है। प्लस वेतन नामा भी एक अच्छा खासा आपको यदि दिख रहा होगा तो 67,300 रुपये से लेकर के 2,69,000 रुपये तक का सैलरी रहने वाला है। पद के मुख्य कर्तव्य जो भी है वो आप पढ़ लेंगे, प्लस विभाग का नाम आप देख लीजिए, उसके बाद पदों की स्थिति आपको मैंने बता दिया कि जो भी है वो हमारा क्या है, स्थाई है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देख लिया कि किस प्रकार से आपका वैकेंसी है। और भी आप यहाँ पे अगर नीचे की ओर आएंगे स्क्रॉल करेंगे काफी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है, तो एक बार आप इसके पीडीएफ, यदि आप इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी में तो आप इसके पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ लें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको चीजें ठीक लगी होंगी। और यदि आप डी फार्म या फिर बी फार्म के स्टूडेंट हैं या फिर फार्मेसी रिगार्डिंग किसी भी
से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को एक बार विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उदित फार्मेसी ऐप जो है उस ऐप पर आपको फार्मा रिगार्डिंग हर एक प्रकार की कोर्सेज अवेलेबल होती हैं। हमारे एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू आपको गाइड करा जाता है जिससे कि आप बेटर परफॉर्म कर पाए, जैसे कि डी फार्म फर्स्ट ईयर, डी फार्म सेकेंड ईयर, डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्म एग्जिट एग्जाम की एक बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड टीचर के थ्रू पूरे मैनर्ड वे में कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, तो आप हमारे कोर्स को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और भी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है।